छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में आईटीबीपी के जवानों के बीच हुई गोलीबारी में हिमाचल के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। बिलासपुर जिला के बरठी क्षेत्र के छतसंडिहार गांव के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे जब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के दुड़ाई पुलिस थाना क्षेत्र के तहत कडनेर गांव में स्थित आईटीबीपी की 45वीं बटालियन के शिविर में एक जवान ने आपसी विवाद में गोली बरसाना शुरू कर दी। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह आईटीबीपी में रेडियो ऑपरेटर विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वहीं महेंद्र सिंह का शव उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित घुमारवीं से विधायक राजेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले महीने ही 14 तारीख को महेंद्र सिंह छुट्टी काटकर वापस लौटे थे और उनकी इच्छा पक्का मकान बनाने की थी। इस बात की जानकारी देते हुए आईटीबीपी से ही रेडियो ऑपरेटर विभाग से एसआई पद से रिटायर महेंद्र सिंह के पिता करम सिंह ने भावुक होते हुए कही। उन्होंने रोते हुए बताया कि उन्हें दुख है कि आईटीबीपी सेना में इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं, जिसमें उनके बेटे की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने इस बात का गर्व किया कि उनका बेटा देश सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात था। वहीं करम सिंह ने अपने दोनों पोतों शौर्य और अनरव का अच्छा पालन पोषण कर आईटीबीपी में भेजने और देश की सेवा करने और महेंद्र सिंह का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा करने की बात भी कही। बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें उपायुक्त कार्यालय में रखा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे के पास आग लग गई थी और आग के कारण काफी सालों पुराना रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। हादसे में किसी भी जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। बताया गया है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अगर थोड़ी कोताही और बरती जाती तो जिलाधीश भवन में एसपी कार्यालय सहित करीब अन्य विभिन्न विभागों के कार्यालयों में भी आग लग सकती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। विधानसभा भवन तपोवन में 9 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर जाने वाले लोगों को जोरावर स्टेडियम से पैदल नहीं चलना पड़ेगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी दिक्कतों को लेकर आने वाले लोगों को विधानसभा परिसर तक पहुंचने के लिए एचआरटीसी जोरावर स्टेडियम से तपोवन विधानसभा परिसर तक शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा इस बार धर्मशाला डिपो शटल बस के साथ इलेक्ट्रिकल वैन को भी चलाएगा, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जानकारी के अनुसार तपोवन में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों के वाहनों को जोरावर स्टेडियम में ही रोक दिया जाता है, जो कि तपोवन विधानसभा परिसर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जोरावर स्टेडियम से विधानसभा परिसर तक सफर करने में लोगों को दिक्कतें पेश आती थी और कई बार पैदल रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इस बार पैदल रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परिवहन निगम जोरावर स्टेडियम से शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। वर्ष 2018 में हुई शीतकालीन सत्र के दौरान भी एचआरटीसी के धर्मशाला डिपो ने जोरावर स्टेडियम से तपोवन तक शटल बस सेवा शुरू की थी, जिसका लोगों ने काफी लाभ भी उठाया था। इस बार भी लोगों को इस सुविधा को देखते हुए एचआरटीसी ने बस चलाने का फैसला लिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मशाला डिपो पंकज चड्ढा ने बताया कि 9 से 14 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला डिपो जोरावर स्टेडियम से विधानसभा परिसर तक बस सेवा चलाएगा। इसके अलावा इस बार एक इलेक्ट्रिकल वैन भी इस रूट पर चलाई जाएगी, ताकि लोगों को अधिक लंबा इंतजार न करना पड़े। इस बस में कितना किराया लोगों से वसूला जाएगा, ये निर्णय जल्द ही ले भी लिया जाएगा।